दिग्गज फिनटेक कंपनी पेटीएम के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दिग्गज कंपनी पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर नए कस्टमर जोड़ने का प्रतिबंध लगा दिया है। यह फैसला तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। केंद्रीय बैंक ने बुधवार को कहा कि बैंक कई सारे नियमों का उल्लंघन कर रहा है। ऑडिट रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ। इस प्रतिबंध के बाद कस्टमर अपने खाते में पैसा जमा नहीं कर पाएंगे। साथ ही आरबीआई ने वॉलेट, फास्टैग और एनसीएमसी कोड को भी टॉपअप नहीं किया जा सकेगा। हालांकि पैसा निकालने की अनुमति कस्टमर को दी गई है, किसी भी तरह का डिपॉजिट माने नहीं होगा। आरबीआई के मुताबिक पेटीएम पेमेंट्स बैंक किसी भी कस्टमर से पैसा जमा नहीं कराए। 29 फरवरी के बाद से ही किसी भी कस्टमर के अकाउंट में किसी भी तरह के डिपॉजिट को माने नहीं किया जाएगा, भले ही ये पैसा वॉलेट, फास्टैग या किसी भी अन्य प्रीपेड सिस्टम के जरिए लिया गया हो। रिजर्व बैंक ने बताया कि एक्सटर्नल ऑडिटर्स की रिपोर्ट के आधार पर ये कार्रवाई की गई है। इन रिपोर्ट से पता चला था कि बैंक कई वित्त नियमों के अनुपालन में लगातार सफल रहा है। इसके अलावा भी कई तरह की अनियमितताएं पाई गई। पेटीएम पेमेंट्स बैंक के खिलाफ इन आरोपों की जाँच अभी जारी रहेगी। केंद्रीय बैंक ने निर्देश दिए हैं कि वो फिलहाल कोई भी नया कस्टमर नहीं जोड़े। साथ ही कस्टमर को अपने अकाउंट से पैसा निकालने की पूरी छूट दी गई है। कस्टमर अपने सेविंग, करेंट, प्रीपेड, फास्टैग और नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड से भी बिना किसी समस्या के पैसे निकाल सकेंगे। पैसा ट्रांसफर करने की सारी सुविधाएं देनी होंगी। केंद्रीय बैंक ने भले ही सभी बैंकिंग सेवा बंद करने के निर्देश दिए, मगर पैसा ट्रांसफर करने की सुविधा देनी होगी। इनमें AEPS, IMPS, BPPOU और UPI सुविधा शामिल है। इसके अलावा RBI ने 197 कम्युनिकेशन और पेटीएम पेमेंट्स बैंक सर्विसेज लिमिटेड में नोडल अकाउंट जल्द से जल्द बंद करने के निर्देश दिए। साथ ही सभी ट्रांजैक्शंस और नोडल अकाउंट्स को सेटल करने के लिए बैंक को 15 मार्च तक का समय दिया गया है। इसके बाद कोई भी ट्रांजैक्शन स्वीकार नहीं किया जाएगा।